नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, डीडी फ्रीडी से एक चैनल रिमूव कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, MPEG टू बॉक्स से एक चैनल रिमूव कर दिया गया है प्रसार भारती की तरफ से। और दोस्तों, अभी तक सिर्फ और सिर्फ MPEG 4 सेटअप बॉक्स से चैनल रिमूव होते थे, लेकिन इस बार MPEG टू बॉक्स से एक चैनल रिमूव कर दिया गया है और उसकी जगह पर कलर बार शो हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, PRTV जो कि एक तमिल लैंग्वेज का चैनल था, जो MPEG टू बॉक्स के रिमूव कर दिया गया था बहुत पहले ही। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक चैनल के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आसामी भाषा का चैनल है, जिसका नाम है Popular TV। तो दोस्तों, Popular TV भी डीडी फ्रीडिस के MPEG टू बॉक्स से रिमूव कर दिया गया है प्रसार भारती की तरफ से। दोस्तों, अगर आप अभी अपना सेटअप बॉक्स चेक करोगे तो वहाँ पर आपको Popular TV की जगह कलर बार शो हो रहा दिखाई देगा। और दोस्तों, डीडी फ्रीडिस के MPEG टू बॉक्स में दर्शक सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी भाषा के चैनल देखना चाहते हैं, और इसी वजह से हिंदी भाषा के चैनल ही डीडी फ्रीडिस पर जो ई ऑक्शन होता है एक साल के बाद, उस ई ऑक्शन में हिंदी भाषा के चैनल ही पूरे साल टिक पाते हैं। बाकी जो और लैंग्वेज के चैनल हैं वो ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट तो कर लेते हैं और स्लॉट भी जीत लेते हैं, लेकिन पूरा साल पूरा नहीं कर पाते हैं। वो चैनल डीडी फ्रीडिस के प्लेटफॉर्म को छोड़कर ही बीच में चले जाते हैं, जो कि दोस्तों ऐसा Popular TV ने भी किया, इससे पहले PL TV ने भी किया था। तो दोस्तों, ये दोनों चैनल डीडी फ्रीडिस के MPEG टू बॉक्स के प्लेटफॉर्म से रिमूव हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि डीडी फ्रीडिस के MPEG टू बॉक्स में ये दोनों चैनल रिमूव होने से MPEG टू बॉक्स में दो स्लॉट खाली हो गए हैं, और बहुत जल्द प्रसार भारती की तरफ से इन दोनों स्लॉट के लिए MPEG टू बॉक्स के लिए ई ऑक्शन किया जाएगा। और दोस्तों, हो सकता है कि आपके पसंदीदा भी चैनल डीडी फ्रीडिस के MPEG टू बॉक्स में आ सकते हैं। सो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।